कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने फिर बोला बीजेपी पर हमला। उन्होंने कहा कि कल शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया है, इसके पीछे की सच्चाई शिवराज सिंह चौहान खुद जानते हैं कि किस तरीके से 2020 में कांग्रेस के विधायकों को पैसे देकर खरीद कर कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिंधिया पर जिस तरीके से पहले बीजेपी बिकाऊ व झांसी की रानी को लेकर हमला करती थी, आज सिंधिया को बीजेपी गले लगाई हुई। वहीं लगातार शिवराज सिंह चौहान द्वारा कमलनाथ से सवाल पूछे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि 15 महीने के मुख्यमंत्री 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहने वाले से सवाल पूछ रही है, ये कहां तक न्याय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में ही बीजेपी को आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनाकर जनता ने जवाब दे दिया था। जो कहा है उसके पीछे सच्चाई शिवराज जी खुद जानते हैं। उन्होंने किस तरीके से खरीद फरोख्त कर और अपनी सरकार बनाई है, सिंधिया जी को लेकर आए हैं और उन्हीं के नेता कहते हैं कि ये तो बिकाऊ हैं। तो जब सिंधिया जी को बिकाऊ कह के संबोधित किया जाता है, सिंधिया जी को विभीषण कहकर संबोधित किया जाता है और सिंधिया जी को तो झांसी की रानी का इतिहास के समय से उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बोलती थी। इन्हें सत्ता हथियाना थी, इस वजह से इन्होंने खरीद फरोख्त शुरू की, तभी तो वो कह रहे थे कि सिंधिया जी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो स्थिति स्पष्ट हो गई है, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि मैं उन्हें खरीद कर लाया था और आज इनकी वजह से मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। शिवराज सिंह चौहान जी को 2018 में जनता ने जवाब दे दिया था और कमलनाथ जी की सरकार बना दी थी। पहला जवाब तो उन्हें तभी मिल गया था। अब 15 महीनों की सरकार वो मुख्यमंत्री पूछ रहा है जो 20 साल से मुख्यमंत्री, 4 बार का मुख्यमंत्री। तो मुझे स्थिति स्पष्ट नहीं दिखाई देती है कि विपक्ष पक्ष से सवाल करता है, ये पक्ष विपक्ष से सवाल कर रहा है, ये उल्टा सिस्टम इन्होंने कैसे शुरू कर दिया है। इन्हें जवाब देना चाहिए कि आप इतनी कर्ज में डूबी हुई सरकार है, आप कर्ज ले लेकर काम चल रहे हैं, आपका खजाना पूरी तरीके से खाली है, उसके बावजूद भी आप मंच से झूठी झूठी घोषणाएं करते हैं कि हम तो महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। तो आप कहाँ से देंगे, एक लिमिट होता है कर्ज लेने का भी, और उससे ज़्यादा आप कैसे खर्च कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने चुनाव से पहले जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, क्या उतना बजट सरकार के पास है? ये झूठी घोषणा करने से नहीं डरते हैं, झूठे वादे करने से नहीं डरते हैं। और माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीनों की सरकार में दिखा दिया कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से किस तरीके से सक्षम हो सकता है, और इसी डर और भय की वजह से कमलनाथ जी को हर दिन निशाना बनाया जा रहा है। कमलनाथ जी ने 3 वचन दिए हैं अभी, और मैं आपको वो वचन याद दिला देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है, हम किसानों का कर्ज दोबारा माफ़ करेंगे, क्योंकि हम 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ कर चुके हैं और जो बचे हुए डिफॉल्टर किसान हैं उनका भी कर्ज हम माफ़ करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन वापस लेकर आएंगे। कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं बुजुर्गों की जो 600 रुपये पेंशन चलती थी उसे हम बढ़ाकर 1,000 करेंगे। इन्होंने कमलनाथ जी के वचन को सुना और सरकार में है तो इन्होंने उसको लागू कर दी। तो इससे साफ पता चलता है कि इनके खुद के पास कोई विज़न नहीं है, कोई जानकारी नहीं है और ना इनकी नीति नियत सही है। तभी तो ये बुजुर्गों की पेंशन जब कमलनाथ जी ने बोला उसके बाद इन्होंने बढ़ाने का। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा जो निकल रही है, हर विकास यात्रा में इन्हें जवाब मिल रहा है, जनता इन्हें नकार रही है, उल्टे पैर इन्हें भागना पड़ रहा है, कई विधायकों को सामना करना पड़ रहा है और अब विकास यात्रा इनके लिए जी का जंजाल बन गई है। ये समझ गए हैं कि हमने अगर विकास किया होता तो जनता आज हमसे सवाल नहीं पूछती। कई युवा उनसे सवाल कर रहे हैं कि हमें रोज़गार क्यों नहीं दिया। कई महिलाएं सवाल कर रही है कि हमें महंगाई कम क्यों नहीं की। 1,000 रुपये का गैस सिलेंडर बोलते हैं और आज 1,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने सब्सिडी की बात की थी, महिलाओं को सब्सिडी नहीं दी। मध्य प्रदेश में कहते हैं बार बार कि हमारे पास तो बिजली सबसे ज़्यादा है, तो यदि आपके पास बिजली सबसे ज़्यादा है तो आप 100 रुपये 100 यूनिट क्यों नहीं करते। कमलनाथ जी की सरकार ने तो 100 रुपये 100 यूनिट बिजली दिया था मध्य प्रदेश को। तो सब्सिडी की बात करते हैं, एक्सपायर में बिजली की बात करते हैं, परंतु देते कुछ नहीं, केवल झूठे वादे करते हैं और इसी वजह से विकास यात्रा में इन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है।